लोग मतलब इतना कल पाए हैं अपन लोगों ने कि अब लोग पोस्टर लेके जैसे बादल चोर वो नहीं करते हैं आंदोलन वांदोलन, वैसे इंस्टाग्राम में लोग आंदोलन कर रहे हैं, पोस्टर में सब कुछ प्रिंट व्रिंट करके बाथरूम में रख के सब कुछ दिखाते हैं यार। आप इसीलिए लाइव छोड़ रहे हैं क्या? क्या हुआ? आप इसीलिए लाइव छोड़ रहे हैं क्या कि बहुत से ज्यादा लोगों की गांड मार के रखी है अपन लोगों ने? इसीलिए भी। और यार दीपक का फोन आया था आज, हाँ तो उसने मतलब बहुत सारी बातें बताई, तो थोड़ा मेरा यार मन, मेरा मन खट्टा सा हो गया यार, क्योंकि उसकी सारी बातें सब ठीक। नहीं अब अच्छा चलो, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो अपन अब एक कसम खा लेते हैं जनता जनार्दन के सामने कि अपनी किसी से कितनी भी लड़ाई होगी अपन आईडी नहीं उड़ाएंगे, तो वहां पे सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी पनोड़ी भाई, फिर लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा। देखिए दीपक, मेरे पे भला बोल रहा था कि तूने ही सब कुछ स्टार्ट किया ये वो। स्टार्ट तो किए, देखिए शुरुआत मजे के लिए किए थे, फिर मजा आने लगा, तो उसमें अब अपनी भी कोई इतनी गलती वलती नहीं है। पर अब ये क्या है कि छोड़ देंगे अपन लोग, नहीं करेंगे ऐसा, चाहे कोई किसी को कितना भी गाली दे आईडी नहीं उड़ाएंगे, तो आप रह सकते हैं। यार भैया 5 मिनट दे दो, किसी को ऐड करके बात करो, मैं ब्रश खत्म करता हूँ। ओके 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 मैं लाइव ही हूँ, किसी को ऐड कर लो, ठीक है क्योंकि ठीक है मैं ठीक ब्रश है, कर देता हूँ। हाँ 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 कर लीजिए। श्वेता स्वामी 77, एक मिनट आपके फॉलोअर देख ले, अगर आप आपके फॉलोअर होंगे कि हम आपसे दुश्मनी करें तो आपको हम ले लेंगे। अरे पनोड़ी भाई गए नहीं क्या? मुझे गाली मत देना प्लीज, तुम ही ने बोला ना, गाली तो मैंने तुमने दिया मुझे। नहीं दिया, तुमने पहले बोला, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही थी, पर तुमने कैसे कैसे पता ना गाने जला दिए। मैं अच्छे से ही बात करती हूँ सबसे, मेरी आईडी जाके देख लो। कितने फॉलोअर है तुम्हारे? मेरे फॉलोअर बहुत कम है, मैं नई नई आई हूँ इंस्टाग्राम पे, कितने फॉलोअर है फिर भी? 1,000 बस। 1,245। नहीं देख रहा हूँ। आई थी पर मैं, आप लाइव में आती थी पर तुमने गाली नहीं दी थी, इसीलिए मैं आई थी। बट ये ऐसा होगा, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कियों की ऐसे करते हो लड़कियों के साथ। अभी तुम्हारी नहीं, दोस्त के साथ मैं लड़की, अभी लड़कियों की तुम्हारी इज्जत दोस्त करता आई हूँ, थी, तुमने ऐसे आंटियों ही की बात इज्जत करी। नहीं करता हूँ। मैं लड़की ही हूँ, आंटी नहीं हूँ, मेरी तुम तो आईडी चेक मुझे कर एक सकते 40-50 साल की अधेड़ उम्र की औरत दिख रही हो। और बाप रे, सिट, कैसे गंदे गाने हैं तुम! इतने गंदे गाने पे रील क्यों बनाती हो? कोई स्वैग वाला गाना बनाया करा करो। तुम देखो मैं तो आपकी साड़ी रील नहीं पहनती देख, हो। हाँ पहनी थी आज। तो तुम्हें ये इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम से प्यार नहीं है, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो? नहीं मुझे पता है, मैं आपकी लाइव में आने का कारण ये है कि मेरी एक दोस्त है, उनको ना बहुत शौक है, ये जो लकी जो है ना, लकी पनौनी, इनसे बात करने का उनका सपना है, ठीक है? तो उन्होंने कहा, तो मैंने बोला कि मैं कोशिश करूंगी, मतलब ट्राई करते करते तो हो ही जाएगा, मतलब हर काम आसान होता है, तो मैं तो इसीलिए क्या आपके लाइव तूने में हमेशा मुझे जाती हूँ। दल्ला क्या तूने मुझे दल्ला समझा क्या कि मैं पनौड़ी भाई से तेरी बात करा दूंगा? नहीं मेरी नहीं बात कराएंगे आप, मुझे पता है आप ऐसे नहीं, तो इसीलिए। बट मुझे आपकी लाइव में आना था, मुझे आपसे बात करनी थी, बात कर ली, बट आपने तो कुछ गलत ही सोच लिया, बस इतनी सी बात है। अरे बट यार, यहाँ वो पे कतई वाली लड़की, क्या नाम है यार उसका, सीमा कहाँ गई यार आज? कतई कतई, उसको बहुत मिस कर रहा हूं मैं, सीमा राजपूत को।
अभी रुको, मैं तुमको अपनी एक लड़की से बात करवाता हूँ, फिर वो तुमसे बात करेगी। सीमा राजपूत, अगर तुम देख रही हो तो आओ ऊपर। सीमा राजपूत, इनवाइटेड किया है मैंने इसको, अभी तक आई नहीं है, ये नीचे है। अरे सीमा, तुम रिक्वेस्ट भेजो, सीमा तुम रिक्वेस्ट भेजो, हालांकि मैंने तुमको वो भेजा है यार। क्यों उनसे मैं गाली मुझे गाली सुनवाओगे आप? नहीं, मैं उससे बात कराऊंगा, वो तुम्हें बताएगी कि मैं कितना अच्छा लड़का हूं। अच्छा, तो हाँ, वो मुझे पता तुम मेरे है, बारे में गलत सोचती हो, मैं ऐसा मत हूं। मैंने आपके बारे में गलत नहीं सोचा था, आपने गलत सोचवाया मुझसे। चलो, वो तो आ नहीं रही है, साली कितनी मोटी है रे तू, आ जाती है अपना चूतड़ उठा के लाइव में। फिर से स्टार्ट। क्या फिर से स्टार्ट? पच्चीस पच्चीस किलो का चूतर उठा के तुम गिरा हुआ इंसान लाइव में आ जाती हो और यहां आके कूल बनती हो, फिर चली गई लाइव छोड़ के। चली गई माधव चोद लाइव छोड़ के। कमेंट कर नीचे से, साली लड़की कहीं की गई बाबा। सीमा राजपूत ये है तो नीचे बैठी है। अरे सीमा, तू ऊपर आ, रे लचकी चूची, क्या नाम है इसका, चुचकी चुचकी चूची। हाँ, सीमा राजपूत के भाव बढ़ गए। रुक, तेरी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लिया हूं। सीमा राजपूत, तुम्हारे बिजनेस में डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे हम, तुम्हारा बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। रुको, तुम गलत आदमी के साथ खेल रही हो। तुम यार, मेरी लड़कियों ने बेइज्जती कर दी है, चूचियां। आईडी चिपक गई स्वीट की। अरे वो मादर चोद, अब क्या कर सकते हैं, आईडी चिपक गई है इसकी बाबा, क्या कर सकते हैं भाई, अब एक आईडी चिपक गई है, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी लाइफ में मजा आता है। ये देखो सीमा राजपूत, ये नीचे कमेंट कर रही है, ऊपर नहीं आ रही है। ए चुची, चुचकी चुचकी, रो रही है सीमा। अभी मैं इसका बिजनेस इंपैक्ट कर दूंगा। जय जय माता बाबा। महाकाल चूची, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, बस। तुमने मुझे अभी फॉलो किया तो मैं देखा, मैं तुम्हें, हाँ बाबा जी, अभी तुम मुझे फॉलो भी नहीं क्या? करती थी चूचिया। नहीं, मैं आपको फॉलो करती थी, फिर शायद आपका ये न्यू अकाउंट है, एक और अकाउंट था ना आपका, खौफ खौफ 1000 ऐसा कुछ करके अकाउंट है। हाँ 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 राइट 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 राइट। तुम्हारा चश्मा कहाँ गया है चूचिया? मैं एक्चुअली आके भी सो गई थी, थोड़ा सा मैं लगाती हूँ चश्मा। हमने जब तुम्हारे बिजनेस के बारे में बात किया तो तुम बहुत जल्दी आ गई चूचिया। बाबा ऐसे बिजनेस का तो टेंशन होता है ना हाँ, टेंशन तो लेना पड़ेगा चूचिया। जी। बाबा जी, अभी क्या हाँ, ये मतलब है पनोड़ी भाई आपका? के, वो लड़की मुझको बहुत अपशब्द का उपयोग कर रही थी, जबकि मैं ऐसा मत था, तो मुझे बुरा लगा। ये तो कतई बहुत ही आपत्तिजनक
बात है। हाँ बहुत आपत्ति थी हमें भी, तुम प्लीज मुझे चश्मा लगा